मुरादाबाद के रेलवे स्टेडियम में उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ द्वारा CPL क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है। IPL की तर्ज पर इस टूर्नामेंट में मुरादाबाद मंडल की 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। संभवतः 16 तारीख को इस टूर्नामेंट का समापन किया जाएगा। मुरादाबाद के रेलवे स्टेडियम में उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ द्वारा CPL क्रिकेट टूर्नामेंट में मुरादाबाद मंडल के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का ये कहना है कि लगातार खिलाड़ियों को खेलों के प्रति आगे बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उद्देश्य है कि मुरादाबाद के खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े और मुरादाबाद शहर का नाम रोशन करें। मुरादाबाद शहर एक ऐसा शहर है जहां के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। आज भी मुरादाबाद मंडल के कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी प्रतिभा के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए मोहम्मद रफी ने बताया कि इस टूर्नामेंट में 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतिदिन 2 मैच आयोजित किए जा रहे हैं। IPL की तर्ज पर इस टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए आयोजन समिति द्वारा भरपूर प्रयास किए गए हैं। उद्देश्य यह है कि खिलाड़ियों को एक अच्छा माहौल यहां पर उपलब्ध कराया जाए। इस टूर्नामेंट का समापन संभवतः 16 मार्च को किया जाएगा। ये मुरादाबाद के रेलवे स्टेडियम में कलेक्ट्रेट एसोसिएशन की तरफ से CPL टूर्नामेंट चल रहा है। इसमें लगभग 10 टीमें भाग ले रही हैं। अब तक आपको बताऊं काशी भी 27 मैच हो चुके हैं, लेकिन किसी भी टीम का हमने इसमें 2 ग्रुप बनाए थे, 5-5 के 2 ग्रुप थे, उसमें अभी तक 27 मैच हो चुके हैं। किसी भी ग्रुप में अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन सी टीम सेमीफाइनल पहुंच चुकी है और कौन सी टीम सेमीफाइनल नहीं पहुंची। अभी तक कोई क्लियर नहीं है। लास्ट जब तक कि मुझे लग रहा है कि लास्ट मैच नहीं हो जाएगा जब तक कोई क्लियर नहीं होगा कि कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल पहुँच रही हैं। काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है। एक टीम 4 मैच खेलेगी, हर ग्रुप में 5-5 हैं और हर टीम को 4-4 मैच खेलने हैं। अभी जो स्थिति है वो कोई 2 जीती है 3 में से, कोई 2 में से 1 जीती है, तो इस तरह से जो है अभी भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन टीम सेमीफाइनल पहुंच गई है या कोई टीम पहुंचेगी। उद्देश्य यही है कि नए बच्चों को इसमें प्रोत्साहन मिलेगा, पैसे मिल रहे हैं बच्चों को, प्लस इसमें हमारे बच्चे, आपको जैसे पता है काजू जी, कि 4 लड़के जो इस टाइम हमारी परफॉर्मेंस कर रहे हैं UP टीम से, जिसमें शिवम शर्मा हमारा जूनियर, वो पहले MPL में खेला, फर्स्ट MPL में खेला, सेकेंड MPL में खेला, उसके बाद सारे लीग खेला और आज वो UP टीम में है और इंडिया का नंबर 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर में उसका शुमार है। 21 विकेट उसके 5 मैच में है और ये काफ़ी गर्व की बात है। छोटे से टूर्नामेंट से उठ के वो ऊपर गया है। यही उद्देश्य है कि अब ये बच्चे जो खेल रहे हैं ये भी परफॉर्मेंस करें और ऊपर उठ के मुरादाबाद का नाम रोशन करें। इसका समापन अभी 15 को हमारे दोनों सेमीफाइनल हैं और जैसे ही हमारे चीफ गेस्ट का क्या नाम है हमें मिलेगा तो उसके बाद तुरंत बाद 16 को ही हम फाइनल कर देंगे।